हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। तो आज हम लोग इस वीडियो में वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जल प्रदूषण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वायु प्रदूषण कंप्लीट किया था। सारे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे सारे हमने डिस्कस किए थे, और आज इस वीडियो में अपन वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, कैसे होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट होते हैं, उसके ह्यूमन हेल्थ पर क्या इसके इफेक्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी डिसीज होती हैं, किस किस पोल्यूशन की वजह से, तो वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ओके, तो देखो वाटर पोल्यूशन क्या होता है, आप सभी को पता है। जो आपका पानी, जो पीने वाला पानी होता है, स्वच्छ जल होता है, उसमें कोई ऐसे एलिमेंट्स मिल जाते हैं जिससे कि आप फिर उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो वो होता है जल का प्रदूषण, है ना, पानी का प्रदूषित हो जाना। ठीक है, तो कैसे पदार्थ हो सकते हैं, कार्बनिक और ऑर्गेनिक हो गए, है ना, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हो गए, रेडियोएक्टिव पदार्थ हो गए, हीट हो गई, अगर आप गर्म पानी मिला देते हो, है ना, तो ऐसी चीजें जब आप कर देते हो तो वाटर की क्वालिटी खराब हो जाती है, और इतनी खराब हो जाती है कि फिर वो आपके यूज करने ना करने लायक ना रह जाए, तो ऐसी कंडीशन में बोलते हैं वाटर पोल्यूटेड हो गया, है ना, जल का प्रदूषण हो गया। ठीक है, तो ये होता है वाटर पोल्यूशन, आप सबको पता ही होगा। तो अब देखो इसके सोर्स, देखो दो टाइप के सोर्स हैं, ऐसे जो पॉइंट सोर्स है, मतलब जो आपको पता है कि पोल्यूशन कहां से हो रहा है, एक ऐसा स्रोत आपको मालूम है, मतलब क्लियर कट आपको पता है कि यहां से ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, प्रदूषित तत्व तो ऐसे आ रहे हैं जो पानी में मिल रहे हैं, तो वो है पॉइंट सोर्स। जैसे सपोज ये आपकी एक नदी जा रही है और उसके बगल में पास में एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री से जो भी प्रदूषित जो उसका वेस्ट है वो आके इस नदी में मिल रहा है, तो आपको पता है कि ये है पॉइंट सोर्स, ये इसका पॉइंट है जहां से ये पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो सोर्स होते हैं वो पॉइंट सोर्स होते हैं, तो इनको क्या होता है, इनको रेगुलेट करना बहुत इजी होता है, रेगुलेट मतलब इसको ठीक करना। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना कुछ फिल्टर लगा सकते हो, है ना, प्यूरिफायर लगा सकते हो, जिससे कि इस वेस्ट को आप पहले ट्रीट करो, इसमें से जो हानिकारक एलिमेंट्स हैं वो उसको बाहर निकालो, और जो बचे हुए बची हुई चीज है उसको आप नदी में मिलाओ उसके हानिकारक तत्व तो निकालने के बाद, है ना, जो चीज परमिसिबल हो उतना जो वेस्ट है वो आप मिला सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये चीज है कि अगर आपको पता है कि स्रोत क्या है तो आप उसको इजिली रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरा होता है डिफ्यूज और नॉन पॉइंट सोर्स, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली जो आपका पोल्यूटेड एलिमेंट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, जो दूषित तत्व हैं वो आ कहाँ से रहे हैं, है ना। जैसे आप समझ लो म्यूनिसिपालिटी का जो पोल्यूशन होता है, जो वेस्टेज है, वो बहुत सारे घरों से आ रहा होता है। ठीक है, पूरा मतलब, है ना, जिस तमाम सारे कोई कस्बा है उसका जो आपके हर घर से जो निकल निकल के आ रहा है, अब किसी घर से हो सकता है ज्यादा हानिकारक तत्व आ रहे हो, किसी घर से कम हानिकारक तत्व आ रहे हो, तो इस तरीके से वो डिफ्यूज होके हर जगह से आ रहा है ना। इसी में बगल में खेत भी है ना, उस खेत में फर्टिलाइजर्स उर्वरक मिले हुए हैं, अब जब बारिश होगी तो उस खेत से पानी बहकर वो नदी में आके मिलेगा, है ना। अब पता लगा एक खेत में बहुत ज्यादा आदमी है, मतलब सॉरी जो व्यक्ति है जिसका खेत है वो बहुत ज्यादा उर्वरक यूज कर रहा है, एक दूसरा खेत है वो क्या कर रहा है, वो जो जानवरों का जो गोबर होता है उससे बनी हुई खाद यूज कर रहा है ना, तो वो तो हानिकारक नहीं होगी, तो आपको नहीं पता चल पाता कि किस खेत में उर्वरक है, जो कीटनाशक है वो किस खेत से आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का जो आपको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली स्रोत है कहां से, है ना, तो वो चीज होती है डिफ्यूज या नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक है ना, समझ गए ना। तो इसमें क्या है, वेरियस इल डिफाइंड एंड डिफ्यूज सोर्स, आपको पता ही नहीं होता है कि जो उसका सोर्स है वो कहाँ है। ठीक है, तो डिफिकल्ट टू रेगुलेट, ऐसी चीजों को ठीक करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखो ये तो दो टाइप हो गए, एक पॉइंट एक नॉन पॉइंट, मतलब आपको जो स्रोत होता है, सोर्स होता है, उसके हिसाब से डिविजन किया गया था। अब देखो कहाँ कहाँ से पोल्यूशन होता है, कैसे वाटर पोल्यूशन होता है, तो वो देखो। तो सबसे पहले आप कम्युनिटी वेस्ट वाटर, जो कम्युनिटीज मतलब जो सामुदायिक प्रदूषित जल होता है, जैसे कोई छोटा शहर है या शहर है, तो वहां से जो प्रदूषण आके पानी में मिलता है, प्रदूषित तत्व तो आके पानी में मिलते हैं, उसको पोल्यूट करते हैं, तो उस टाइप का जो पोल्यूशन होता है वो होता है कम्युनिटी वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो कैसे, सीवेज, जो सीवेज होता है वो आके नदियों में मिल जाता है ना, ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रेटा, तो वो सब जाके मिलता है, पानी को खराब करता है, फूड रेसिड्यू जो हम लोग खाना खाते हैं घरों में, होटल्स में, वो सब चीजें फेंक दी जाती हैं, तो वो सब जाके किसी न किसी रूप में वो पहुंचती पानी तक ही है, तो ये भी आपके पानी को पोल्यूट करता है। सोप है, डिटर्जेंट है, ये सारी चीजें
पानी को पोल्यूट करती हैं। ये सब किसमें आता है? कम्युनिटी वेस्ट वाटर, जो हम लोग जो घरों में यूज करते हैं ना। अब बाथरूम से जो पानी बह के जाता है कहाँ जाता है? अब उसमें सोप भी होता है, डिटर्जेंट भी होता है, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये सब पानी को खराब करते हैं। तो ये सब किसमें आ गया? कम्युनिटी वाटर वेस्ट में। ठीक है, इसके बाद सेकेंड है इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, जो इंडस्ट्रीज से जो प्रदूषित तत्व तो निकलते हैं, तमाम सारे केमिकल्स निकलते हैं, वो जाके नदियों में मिल जाते हैं, झीलों में मिल जाते हैं, लेक्स में मिल जाते हैं, तो वो उसको पल्यूट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो पोल्यूशन हो गया वो हो गया हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट पोल्यूशन। इसके बाद आपका एग्रीकल्चरल सोर्स, जो कृषि से जो भी एलिमेंट्स आते हैं पानी में मिलकर उसको दूषित करते हैं, तो जैसे क्या, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, है ना। तब आप जब आप जरूरत से ज्यादा खाद डाल दोगे अपने खेतों में, और जैसे है ना, और उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, तो ऐसी एलिमेंट्स जब जरूरत से ज्यादा होते हैं, तो जब बारिश होती है तो जब पानी जो बह के जाता है ना भाई, पूरा खेत भर गया, अब वो जो पानी बह के जाएगा तो अपने साथ उर्वरक को भी बहा के लेके जाएगा, और वो जाके किसमें मिला देगा? नदियों में मिला देगा, या जो भी वाटर सोर्सेज होंगे, वाटर बॉडीज होंगी उस खेत के अराउंड, वहां पे उसको मिला देगा और वहां के पानी को दूषित करेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनकी वजह से जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी दूषित हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, ये लीचिंग के द्वारा नीचे चले जाते हैं। लीचिंग समझते हो ना, जो ये आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह है, ये जमीन के अंदर रिस रिस के नीचे चले जाते हैं, इसे बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड वाटर है वहां तक ये एलिमेंट्स पहुंच जाते हैं और उसे भी दूषित कर देते हैं। झीलों और तालाबों में सुपोषण, यूट्रिफिकेशन, मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में बहुत अच्छे से। क्योंकि ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये जो झीलों में जो हरी शैवाल पाई जाती है उसके लिए पोषण तत्व का काम करते हैं, तो इनके पहुंचने से वो सब बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं। पूरी की पूरी जो झील होगी, पूरा पूरा का तालाब होगा, वो काई से भर जाती है, ना, पूरी लेयर जमा हो जाती है हरे रंग की। उससे क्या होता है कि उस अब जब पूरी लेयर बन जाती है तो सूर्य की किरणें नीचे नहीं पहुंच पाती हैं, है ना, तो जिससे कि अंदर के जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ये जो काई होती है, जो शैवाल होती है, वो ऑक्सीजन की भी कमी, उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसके नीचे डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन और कम खत्म हो जाती है, तो इस वजह से फिर पानी के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है सुपोषण, यूट्रिफिकेशन की, तो ये सब बढ़ जाता है जब वाटर पोल्यूटेड हो जाता है फर्टिलाइजर्स के द्वारा। इसके बाद जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशक यूज किए जाते हैं, तो वो भी बह बह के इसमें मिल जाते हैं आपके वाटर बॉडीज में। इसके बाद जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है, जैसे डंग, मतलब अब गोबर जो हो गया, वो सब मिल जाता है ना, वेस्ट फ्रॉम पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म से जो वेस्ट निकलता है, पिगरीज से, जो फार्म पिगरीज जो सुअर जहां पे पाले जाते हैं, है ना, स्लॉटर हाउस जो होता है, जहाँ पे कसाई खाना होता है, इन सबसे जो कुछ भी आपका वेस्टेज निकलता है वो सब जाके भी पानी को दूषित कर देता है। इसके बाद एक होता है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन कैसे, जैसे पावर प्लांट है ना, तो पावर प्लांट में जो पानी यूज किया जाता है वो बहुत हाई टेम्परेचर तक उसको गर्म किया, इतना गर्म किया जाता है कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जब वो वहां से निकलता है पावर प्लांट के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके, है ना, पूरे बॉयलर से होते हुए, टर्बाइन से होते हुए, यहां से सपोज पानी लिया गया नदी से, नदी से पानी लिया गया ऐसे, और वो इसमें गया बॉयलर से टरबाइन होते हुए, जब यहां से निकल के वापस आके फिर वो नदी में मिला दिया जाता है। पर प्रॉब्लम क्या है, जब पानी यहां से लिया गया था तो कोल्ड वाटर था, जो नदी का नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर था, पर जब ये अभी यहां पे मिलाया जा रहा तब ये हॉट वाटर होता है। ठीक है, तो अभी हॉट वाटर जो होता है ये क्या करता है, ये आके वहां पे पानी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, और चूंकि पानी का टेम्परेचर बढ़ा देता है तो इससे क्या होता है कि देखो, जो जब हॉट वाटर होता है ना, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उसमें O2 कम हो जाती है। अगर पानी गर्म है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो जो पानी के अंदर जो फिशेज होंगी, जो जीव जंतु होंगे, वो मर जाते हैं। तो इसलिए ये जो थर्मल पोल्यूशन है, ये जो पानी के अंदर के जो जंतु होते हैं उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन, जो भूमिगत जल है उसका प्रदूषण, वो कैसे होता है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड म्यूनिसिपल वेस्ट, है ना। तो ये सब पता ही है आपको, ये जो सारा वेस्ट होता है ये आपके अंडरग्राउंड वाटर तक को पोल्यूट कर देता है। कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो लीचिंग के द्वारा नीचे तक चले जाते हैं, है ना। आप जैसे जो अंडरग्राउंड जो पाइपिंग होती है, जैसे पानी जो वेस्ट जा रहा होता है, सपोज कहीं कहीं वो लीक हो गया, तो लीक होके वो सारा वेस्ट नीचे जाता रहता है और अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देता है। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर रन ऑफ है ना, वही फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सारे जाके
आपके अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं, ये मैंने बताया था अभी, ठीक है। इसके बाद जो है आपका मरीन पोल्यूशन, जो समुद्र का जो है वो भी प्रदूषित हो रहा है। क्यों, कैसे? क्योंकि जो नदियां जब जाके मिलती हैं समंदर से, तो वो नदियां अपने साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज लेकर आती हैं, बहुत सारा प्रदूषित और दूषित जब पानी लेके आती हैं, जब वो समुद्र में मिलता है तो समुद्र का पानी भी दूषित हो जाता है। इसके बाद जो तटीय शहर हैं, जो कोस्टल सिटीज हैं, वहां से भी जो वेस्ट वाटर होता है वो भी जाके समुद्र में मिलता है। जैसे जो आप सपोज कानपुर है, तो उसमें से बहुत जो भी प्रदूषित है सब कुछ गंगा में जाके मिला दिया जाता है ना। अब वो इसी तरीके से जो जो सिटीज समुद्र के तट पर है, तो वो सारा वेस्ट कहाँ जाता है, समंदर में चला डिस्चार्ज कर दिया जाता है ना, तो वो उसको प्रदूषित कर देता है। इसके अलावा जो ऑयल, ग्रीस, सीवेज वगैरह है, ये सब भी इस पानी में मिलता रहता है। जो तमाम सारे जो शिप होते हैं, वहां से जो तेल रिस रिस के जाके समुद्र के पानी में मिलता है। इसके अलावा ऑयल स्पिल्स, ये ऑयल स्पिल्स क्या है, मतलब कि जैसे कभी कभी जो शिप्स होते हैं तमाम सारे, जो क्योंकि देखो जो ऑयल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, ये शिप के द्वारा ही इसका पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, पूरा जो मूवमेंट होता है वो शिप के माध्यम से होता है, ठीक है। अब ये जो क्रूड ऑयल था, कभी कभी कई बार आप देखते होंगे कि वो यहां से निकल के तमाम सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो वो ऑयल पूरा का पूरा समुद्र की सतह पर फैल जाता है, ठीक है। और ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है जब ऐसा होता है। उसमें होता क्या है कि जो ऑयल पूरी जब सतह पर फैल जाता है, जिसे को बोलते हैं ऑयल स्पिल्स, तो वो बहुत लंबी, बहुत समुन्द्र के ऊपर बहुत दूर दूर तक पूरा एरिया, पूरा जो एरिया होता है वो कवर कर लेता है। ऑयल की प्रॉपर्टी होती है वो हल्का होता है पानी से, तो वो पानी नीचे रहता है और ऑयल जो होता है वो ऊपर रहता है। आप कभी भी देखो, आप ऑयल और पानी मिला दो तो तेल हमेशा ऊपर निकल आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कई बार कि जब बहुत दूर तक फैल जाता है, तो उसे आग लग जाती है समुद्र में। तो ये एक चीज होती है कि जो ऊपर ऊपर का पूरा जो ये आपका तेल होता है जलता है, जलने लग जाता है। दूसरी चीज क्या होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब समुद्र के ऊपर जो लेयर पे पूरा तेल जमा रहता है, तो ये उसके नीचे मतलब पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। मतलब जो वायुमंडल से जो ऑक्सीजन जाती होती है पानी के अंदर, तो उसको कट ऑफ कर देता है, बीच में इसकी एक लेयर आ जाती है ना, तेल की लेयर आ जाती है। तो इससे क्या होता है, नीचे के जो जीव जंतु होते हैं उनको ऑक्सीजन फिर मिलनी बंद हो जाती है और वो मरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑयल स्पिल्स की कंडीशन जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। अब देखो इफेक्ट्स देख लो, जो अब मैंने बताया आपको कौन कौन से जो सोर्स होते हैं, कैसे वाटर पोल्यूट होता है, वो सब समझ लिया हमने। अब इफेक्ट्स देखते हैं। इफेक्ट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो जलीय तंत्र है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उस पर क्या इफेक्ट होते हैं वाटर पोल्यूशन के, बहुत ज्यादा, बहुत ही बुरे इफेक्ट होंगे ऑब्वियसली। अगर एक्वेटिक जो इकोसिस्टम उसमें पानी है और प्रदूषित हो जाएगा, तो फिर कैसे होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो प्रदूषित जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। और देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम में या कहीं भी हो, अगर ऑक्सीजन अगर हमको नहीं मिल पाती है, तो अब वो इकोसिस्टम मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, है ना। अब एक्वेटिक सिस्टम में भी जो जीव जंतु रहते हैं, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो ऑक्सीजन उनको पर्याप्त मिलती रहेगी अगर पानी शुद्ध है। जो शुद्ध पानी होता है उसमें जितनी, उसमें करीब 8 mg, तो 1 mg पर लीटर, इतनी ऑक्सीजन अगर पर लीटर में 8 mg ऑक्सीजन है, तो वो पानी यूज किया जा सकता है। अगर इससे भी कम ऑक्सीजन है, मतलब ये लिमिटिंग कंडीशन है, अगर 8 mg पर लीटर से कम है, तो उस पानी को आप यूज नहीं कर सकते, मतलब ये एक पोल्यूटेड वाटर की रेंज है ना। अगर O2 4 mg है पर लीटर, इतनी O2 है, तो वो बहुत ज्यादा दूषित है, बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेंट वाटर हो जाता है। अगर 4 mg है, मतलब 8 mg, अगर 7 भी मिलीग्राम या 7.5 mg भी है, तो वो दूषित है, मतलब ये लिमिट है। इससे नीचे, इससे कम ऑक्सीजन की मात्रा अगर है पानी में, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज है। तो अब अगर जो प्रदूषित हो जाएगा, तो उसमें ऑक्सीजन की वैल्यू, मात्रा कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, देखो अब जो है ये जो आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, डिजोल्व ऑक्सीजन, DO, ठीक है। तो वह अभी मैं आपको समझाऊंगा कि जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो जलीय जीव जंतु हैं मर जाएंगे, प्लैंकटॉन है, फिश है, ये सारे के सारे मर जाएंगे। और जब जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है पानी में, तब क्या होता है, कुछ दूसरे टाइप के जो जीव जंतु होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे ट्यूबीफैक्स। ये कम ऑक्सीजन में भी ये वहां पर
जिंदा रहते हैं, ठीक है, ट्यूब इफेक्स। ये जब कम ऑक्सीजन होती है तब यही बचते हैं, ठीक है, ट्यूब इफेक्स हो गए। इसका जो कीड़े होते हैं उनके जो लार्वाज होते हैं वो बचते हैं, ठीक है। ये सब कम, इनको कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये बच पाते हैं। तो जब किसी पानी में आपको ट्यूब इफेक्स दिखे या जो इंसेक्ट्स के लार्वाज दिखते हैं, जो कीड़ों के लार्वाज दिखते हैं, तो आप समझ जाते हो कि इस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अगर आप ये जो ट्यूब इफेक्स है और लार्वाज है ये देखते हो, आप इमीडिएटली समझ जाते हो कि इसमें जितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए थी, मतलब 8 mg/L मिनिमम होनी चाहिए थी, उससे भी कम है, तभी ये एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज बाकी तो सब मर जाएंगे। तो ऐसे स्पीसीज हैं, इनको बोलते हैं इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर समझते हो ना, जो इंडिकेट करते हैं, जो आपको बताते हैं कोई चीज, है ना, इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर स्पीसीज कहलाती हैं। ओके, तो अब ये देखो, जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता है ना, हॉट वाटर होता जाता है, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, डिजोल्व ऑक्सीजन, कम होती जाती है ना। अगर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा 8 mg/L से कम है तो वह दूषित जल है, और अगर 4 mg/L से कम है तो वो अत्यधिक दूषित जल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब देखो, हम लोग पानी को कैसे मेजर करते हैं कि वो कितना पोल्यूटेड है कि नहीं है, तो उसके लिए तीन टर्म्स हैं, डीओ, बीओडी और सीओडी। डीओ तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 8 mg, 8 mg/L से कम अगर ऑक्सीजन डिजॉल्व है, ये डीओ मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, अगर ये 8 mg/L से कम है तो इसका मतलब कि ये पानी दूषित है, ठीक है। अब देखो बीओडी क्या है, ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों चीजें बोलते हैं, इसको भी mg/L में इंडिकेट करते हैं। होता क्या है, जो बीओडी है इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन हेल्प बाई सॉरी नीड बाई बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द वॉटर। समझ गए? देखो, नहीं समझे तो मैं समझाता हूं। देखो यार, कि जब आपका एक पानी है, दूषित पानी है, तो इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट मिला हुआ है, ठीक है, देखो अगर पानी दूषित नहीं है, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पर क्या हुआ कि इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट आके मिल गया, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिक वेस्ट को फिर से प्योर करने के लिए जो अंदर बैक्टीरिया होता है जो इसको डिकम्पोज करता है, इसको डिकम्पोज करके खत्म कर दे तो पानी फिर से प्योर हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ये जो ऑर्गेनिक इसमें वेस्टेज आके मिला है, इसको कुछ बैक्टीरियाज होंगे, इसके ऊपर टूट पड़ेंगे, इसको पूरा डिकम्पोज कर देंगे, इसका अपघटन करके खत्म कर देंगे, ठीक है। पर अब होगा क्या, इसको इसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को चाहिए होगी ऑक्सीजन, ठीक है, बैक्टीरिया को चाहिए होगी ऑक्सीजन, और इसी वजह से जब ऐसे प्रदूषण होता है ना, तो ये इसका डिकम्पोज स्टार्ट होता जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम होती चली जाती है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि बीओडी इज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीड, तो ये जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट आता है इसको डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, जो इसमें घुली हुई ऑक्सीजन है, सपोज करो इसमें 8 mg/L इतनी घुली हुई थी, पर इसमें केमिकल आ गया तो इसकी वजह से अब जो है 2 mg, है ना, पर लीटर, ये 2 mg इसको डिजॉल्व करने में खत्म हो गई, ठीक है। तो बीओडी क्या हो गया, 2 mg। समझ गए ना, कि तो आप समझ सकते हो कि देखो मतलब इसमें कितना पोल्यूशन है, 2 mg है, तो मतलब ये मतलब कम ऑर्गेनिक वेस्ट आया होगा। सपोज करो 4 mg, मतलब जो इसमें 8 mg जो एक्चुअली ऑक्सीजन थी, है ना, और उसमें से भी 4 mg चले गई किसमें, डिकम्पोज करने के लिए, तो इसका मतलब कि ज्यादा प्रदूषित था। मतलब तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी इस ऑर्गेनिक वेस्ट को अपघटित करने में, डिकम्पोज करने में, तो पानी उतना ही ज्यादा पोल्यूटेड होगा। इसका मतलब बीओडी जितना ज्यादा होगा पानी उतना ही ज्यादा पोल्यूटेड होगा। हायर बीओडी मतलब लोअर डीओ, समझ रहे हो, जितना बीओडी हाई लोअर डिजॉल्व ऑक्सीजन होता जाएगा ऑब्वियसली, है ना। अब जैसे 8 mg पर ये डिजॉल्व था तो उसमें जितना ज्यादा पोल्यूटेड होगा उसमें से उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन में खत्म होता चला जाएगा, है ना। तो हायर बीओडी मीन्स लोअर डीओ, है ना, मीन्स वेरी मच पोल्यूटेड वाटर। समझ गया ना, है ना, जितना आपके डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी पानी उतना ही ज्यादा दूषित होगा, या जितनी बीओडी जितनी ज्यादा होगी उतना ही पानी दूषित होगा, ठीक है। इसका तीसरा टर्म है सीओडी, ये क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि बीओडी जब हम इसको बीओडी यूज करते हैं पानी को बताने के लिए कि कितना प्रदूषित है, तो उसमें भी कुछ कुछ कमियां रह जाती हैं उसको दूर करने के लिए, फिर केमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड आ गया। इसमें क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। सेम चीज है, पर इसमें क्या होता है
कि ये लोग जो है कितनी ऑक्सीजन चाहिए वो मिलीग्राम में ना लेके इक्विवेलेंट के टर्म्स में लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना ऑक्सीजन उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर, जो आपका दूषित तत्व है जो पानी में उपस्थित है, उनको डिजोल्व करने के लिए, उनका ऑक्सीडेशन करने के लिए, उनका अपघटन करने के लिए, उनका डिकम्पोजिशन करने के लिए कितनी इक्विवेलेंट ऑक्सीजन की जरूरत है, समझ गए। तो वो हो जाती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ओके। अब बीओडी और सीओडी में डिफरेंस आप समझ चुके हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं जैसे आपको पता चलता है पानी कितना दूषित है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, मनुष्य के स्वास्थ्य पर ये जो दूषित पानी होता है उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। अगर पानी में मरकरी मिला हुआ है, यहां से ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको। वो सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है, आप वहां से भी आ सकते हो, पर यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर पानी में मरकरी मिला होगा तो जो डिसीज होती है वो होती है मीना माता। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि मीना माता जो बीमारी होती है वो किस टाइप के तत्व के पानी में उपस्थित होने से होती है, तो वह है मरकरी, ठीक है। अगर पानी में कैडमियम मिला हुआ है तो कौन सी बीमारी होती है, इटाई इटाई या आउच आउच, है ना। इसमें क्या होता है, जो जोड़ है हमारे हड्डियां हैं उनमें बड़ा दर्द होने लग जाता है। तो इसकी वजह से नहीं, जैसे कहीं आप किसी हड्डी में दर्द हो रहा, किसी ने आगे छू लिया तो क्या करते हो, आउच, है ना। तो बस यही बीमारी है, आउच आउच, इसी इसका नाम रख दिया गया। जोड़ों में बड़ा दर्द होता है तो जब आप उठोगे बैठोगे तो आप ऐसी आवाज निकालते रहोगे आउच आउच, तो उससे ये बीमारी का नाम ही पड़ गया, ठीक है। तो ये कब होता है, कैडमियम की वजह से, और कैडमियम की वजह से लंग और लीवर कैंसर भी होते हैं। इसके बाद है लेड, सीसा, ठीक है। सीसा अगर उपस्थित होता है आपके पानी में तो अनेमिया होने के चांसेस काफी रहते हैं, हेडेक, सिरदर्द रहता है, ठीक है। और जो मसूड़े हैं उसके ऊपर नीले रंग की लाइन खिंच जाती है, मतलब मसूड़ों के ऊपर नीला नीलापन आ जाता है, तो वो आपका इंडिकेट करता है कि आपके पानी में सीसा उपस्थित है। और जो मस्कुलर पावर है, जो मसल्स की पावर है, ताकत है जो हमारे मसल्स की, वो कम होने लग जाती है, ठीक है। तो ये लेड की उपस्थिति में ऐसा होता है। इसके बाद भूमिगत जल में जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें अगर अधिक नाइट्रेट मिल जाता है, ठीक है, अगर अधिक नाइट्रेट मिल जाता है तो ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है, ठीक है। अगर उनसे पूछा जाए ब्लूबेरी बेबी सिंड्रोम क्यों होता है, तो नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। पानी में अगर नाइट्रेट मिला होगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसके बाद पानी के पीने में अगर अधिक फ्लोराइड मिला रहता है तब क्या क्या होता है, फ्लोराइड अगर मिला है पानी में तो क्या होगा, आपका न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है, जो तंत्रिका तंत्र के जो मसल्स हैं उनमें डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका गैस्ट्रो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम मतलब क्या हो गया, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड पेट की समस्याएं हो जाती है, ठीक है। देन टीथ डिफॉर्मिटी, दांतों में टेढ़ापन, मतलब दांत है ना, दांतों में इसके डिफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, टेढ़ापन वगैरह हो जाता है। इसके बाद हार्डनिंग ऑफ बोन्स, बोन्स हैं जो हड्डियां हैं वो काफी हार्ड हो जाती हैं, और जो जितनी ज्यादा हड्डियां हार्ड हो जाती हैं तो उनके यू नो क्रैक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप समझ रहे हो ना, जैसे कांच है तो कांच बड़ा हार्ड होता है, उसको मारो तो वो टूट जाएगा, हार्ड बहुत है ना, लेकिन वो आपका फिर भंगुर हो जाता है। तो ऐसे ही हड्डियां हैं, या हार्डनिंग अगर बहुत होने से ना भी जितनी चीज मुलायम होती है ना, तो वो फिर वो टूटना उसका उतना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वो दब जाएगी, आप उसको कस के मारोगे तो वो दब जाएगी, वहां से बस टूटेगी नहीं, है ना। और अगर बहुत ही ज्यादा मतलब हार्ड है जैसे कांच के तरीके से, तो आप कस के मारे तो वो टूट जाएगी, तो ये हार्डनिंग ऑफ बोन्स हो जाती है। इसके पेनफुल ज्वाइंट्स, जो ज्वाइंट्स होते हैं उनमें दर्द होता है, अगर ये सब आपके पानी में फ्लोराइड उपस्थित है तो, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। कितनी मैक्सिमम लेवल तक फ्लोराइड होनी चाहिए पानी में, मतलब 1.5 पार्ट्स पर मिलियन या ये mg पर लीटर, इतनी होए तो परमिसिबल है, ठीक है, इसके ऊपर है तो प्रॉब्लम है। इसके बाद भूमिगत जल में अगर आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है, आर्सेनिक अगर उपस्थित है तो क्या होता है, ब्लैक फूट डिसीज हो जाती है, ब्लैक फूट डिसीज, ठीक है, और डायरिया होने के भी काफी चांसेस रहते हैं, ठीक है। देन लंग्स एंड स्किन कैंसर भी हो सकता है अगर आर्सेनिक उपस्थित है, ठीक है। जो हमारा जो गैंग्स डेल्टा है, जो डेल्टा है गंगा नदी का, उन एरियाज में आर्सेनिक की बहुत प्रॉब्लम है, जैसे वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन,
कि आर्सेनिक कहाँ पर काफी ज्यादा मिला रहता है पानी में, तो वो आप आंसर करोगे गैंग्स डेल्टा। ठीक है, इसके अलावा बायो मैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम होती है। बायो मैग्निफिकेशन मैंने बताया हुआ है जब मैं आपको इकोसिस्टम और जो पोषण जो साइकिल बता रहा था, जो ट्रॉपिकल लेवल्स मैंने आपको पढ़ाए थे ना, कैसे प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूसर से खाना हायर लेवल कंज्यूमर्स तक जाता है और कैसे पोल्यूशन कैसे ऊपरी लेवल तक शिफ्ट होता है, तो वही था पूरा। बायो मैग्निफिकेशन पढ़ा चुका हूँ, इसके बाद यूट्रोफिकेशन ये भी पढ़ा चुका हूँ। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो होते हैं, ठीक है, वाटर पोल्यूशन के। अब कंट्रोल मेजर क्या है, सुधार के उपाय क्या है, कुछ एक बताए मैंने, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, जो सीवेज का जो पूरा जो दूषित जल होता है उसको कहीं भी मिलाने के पहले, उसको निकालने के पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है, तो वो जहां भी जिस भी वाटर बॉडी में मिलेगा तो उसको दूषित नहीं करेगा। इसके अलावा जो पावर प्लांट से गर्म पानी निकलता है उसको डायरेक्ट नदियों में ना मिलाया जाए, पहले उसको ठंडा किया जाए। भाई ये तो किया जा सकता है ना, जैसे पानी को गर्म कर सकते हो तो पानी को ठंडा भी कर सकते हो, है ना, तो इसलिए गर्म पानी को नदियों में डायरेक्ट ना मिलाया जाए, पहले उसको ठंडा किया जाए फिर उसको नदियों में मिलाया जाए। इसके अलावा अधिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जितना मिनिमम यूज करें आप उतना ही करिए, वो उतना ही अच्छा है। आप हो सके तो ऑर्गेनिक कृषि करो, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है, या जो जो जानवरों के गोबर वगैरह होते हैं उसकी खाद यूज की जा सकती है ना, उससे जो है जल का प्रदूषण नहीं होगा। इसके बाद ये एक वाटर हाइसिन करके एक एक्वेटिक वीड आती है, पानी को शुद्ध कर देती है, ठीक है, वाटर हाइसिंथ, ओके, तो ये एक्वेटिक वीड है, ये पानी को शुद्ध कर देती है, अगर ये पानी में रहती है ये वीड तो उसको प्योर करती रहती है। इसके बाद ब्रिगोली, ये एक है ब्रिगोली, ये एक बाई जो जो है पेपर इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट समझते हो ना, मतलब आप कोई मेन चीज बना रहे हो इसके साथ में एक चीज अपने आप बन जा रही है, इसके में जरूरत नहीं थी, पर ये क्योंकि इसको मेन चीज बना रहे हैं तो साथ में निकलती जा रही है, तो इस चीज इस तरह के प्रोडक्ट को बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, हम चाहते नहीं थे फिर भी बन रहा है। तो ये जो पेपर इंडस्ट्री का जो बाई प्रोडक्ट है ब्रिगोली, ये जो है ऑयल स्पिल की समस्या को समाप्त कर सकता है, जहां पे आपका ये ऑयल फैला हुआ है तो वहां पर ब्रिगोली होता है तो वो वहां पे पानी को साफ करता रहता है। इसके अलावा ऑयल जैपर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ऑयल जैपर, ये भी पानी जो ऑयल स्पिल्स की समस्या है इसको दूर कर देता है। तो ये सारे जो है आपके कंट्रोल मेजर्स थे जिसके द्वारा पानी को शुद्ध किया जा सकता है। ओके, तो इतनी सारी चीजें अगर आपको पता है वाटर पोल्यूशन से संबंधित, तो कोई भी क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा हमारी परीक्षा में आप आराम से उसका आंसर कर सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में एयर पोल्यूशन भी कराया था और वाटर पोल्यूशन भी कराया है। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं एनवायरमेंट के मेरे वीडियो से, तो आप अच्छे से इसको लिखिएगा और आपके बहुत ही अच्छे नोट्स प्रिपेयर होंगे, आप देख लेना, आपको फिर आगे कभी भी एनवायरमेंट में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ओके, बहुत ही सही से चला रहा हूँ मैं एनवायरमेंट को, बिल्कुल भी रश नहीं कर रहा हूँ, खींच नहीं कर रहा हूँ कि हाँ चलो कोर्स पीछे है तो खींच दो, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सही से पढ़ा रहा हूँ, आप भी सही से पढ़ते रहना, है ना, जहां जो चीजें खींचने वाली होंगी वहां मैं खींच भी लूंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।